अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज ग्रेड थ्री के सब्जेक्ट मैथमेटिक के दूसरा यूनिट जो हमने स्टार्ट कर लिया था, नंबर ऑपरेशंस मीन्स अददी अमलियात, जिसका तीसरा टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माना ज़रब करना या गुना करना, दुगना करना जिसको कहते हैं। आप ग्रेड टू में एक डिजिट को मल्टीप्लाई करके सीख कर आए हैं। यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर में दो नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इस तरह से हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, सिंपल सा तरीका है। 12 को यहाँ लिखा हमने और 3 इस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल 2 टाइम हमने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। यहाँ हमारे पास वंस का जो नंबर है इस पर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 6, जो आंसर होगा हमने वंस की प्लेस पर ही लिखना है। अब हमारे पास जो टेंस की प्लेस पर नंबर है इस पर हम टेबल पढ़ेंगे 3 का, 3 1 3, ये हमने टेंस की प्लेस पर रख दिया। यहाँ आपने ये मेथड सीखा। दूसरा, अगर हमें मिसाल दूसरी वैल्यू दी जाए मल्टीप्लीकेशन करने की, तो अब क्या है, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल। यहाँ 75, ये भी दो नंबर हैं, एक टेबल पर आ जाएगा, एक का टेबल, इसको हम इस तरह लिखते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 4। सेम तरीका यहाँ देखेंगे, 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, यानी वंस की प्लेस पर जो नंबर है 4 का टेबल अगर हमने 5 टाइम पढ़ा तो हमारा आंसर आ गया 20, 4 5 20। अब जो वंस की प्लेस पर डिजिट है वो हम यहाँ वंस की प्लेस पर ही रखेंगे और टेंस का नंबर हम टेंस के बाद फिलहाल रख देंगे। अब हमारे टेंस की प्लेस पर जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28। 28 में ये 2 को ऐड कर दिया तो हमारा जवाब आ गया 30। 4 7 28 + 2 = 30। अब हमने देखा, अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 0 का कॉन्सेप्ट हम समझ ले, मीन्स कोई भी डिजिट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका जवाब 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई 0 = 0। 0 किसी भी नंबर को दुगना नहीं करता, उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। शुक्रिया। अगर आपको ये कोई भी परेशानी आए इस कॉन्सेप्ट को समझने में तो हमारे स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करें और अपना होमवर्क करके हमें भेजें। एक्सरसाइज नंबर आपकी बुक में जो मौजूद है वो सॉल्व करें। शुक्रिया।